हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो अभी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है 2 तारीख को, उसके क्वेश्चन पेपर हल कराऊंगी आपको। और इसमें इस बार बहुत काफ़ी टफ पेपर आ गया था और सारा कुछ वेस्टर्न आर्ट से दिया गया है इसमें, तो पेपर पेपर काफ़ी टफ था। तो अभी इसको जो मैंने देखा है, जितना मैंने सॉल्व किया वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ क्वेश्चन हैं जिन पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो बाकी क्वेश्चन जहाँ तक हो सका है मैंने उसके आंसर ढूँढे हैं, तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है अवनींद्रनाथ टैगोर। दूसरा है, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है मुल्कराज आनंद। तीसरा है, वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें, तो इसमें दूसरा ऑप्शन है लियोनार्डो द विंसी। तीसरा है, चौथा है सॉरी, भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारिणी सभा काशी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है और ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पांचवा है, 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी मूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है, तो पहला ऑप्शन सही इसमें जैक्सन पोलाक हैं। और छठा क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था, तो माइकल एंजेलो का जन्म इटली में हुआ था। नेक्स्ट है, ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था, तो फ्रेंच मार्क हैं और ये ब्लू राइडर के संस्थापक भी हैं, फ्रेंच मार्क इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 1905 में अर्नस्ट लुडविंग किर चेयर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह ने ड्रेस्डन शहर में गठन किया था, तो ये डार्क ब्रूक का जो गठन किया था, ये एक समूह था, इसमें इसका गठन हुआ था, पहला ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है, 1495 में ने शुरू किया द लास्ट सफर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया था, तो इसका द लास्ट सफर इसमें लियोनार्डो दा विंची चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है मार्सेल डुसा। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक गलत कथन चुनना था, तो इन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। हाँ बिल्कुल सही, इन्होंने मराठी महिलाओं को अपना आदर्श मानकर अपनी पेंटिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने मराठी महिलाओं को चित्रण किया है। उसके बाद दूसरा है, वो बॉम्बे प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य थे, तो ये बॉम्बे प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य नहीं थे। और नेक्स्ट है, उन्होंने मुद्रण छापाखाना प्रेस की स्थापना की थी, तो इन्होंने मुंबई के लोनावाला जिले में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इनकी मृत्यु जो है 1906 में हुई, तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन बी वाला ऑप्शन जो दूसरा है वो सही नहीं है, तो यही बी ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है, जाने माने कलाकार सल्वाडोर डॉली किस कला आंदोलन से संबंधित थे, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही, अति यथार्थवादी कला से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है, एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था, उस कला आलोचक का नाम लिखिए, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है हैरोल्ड रोसेनबर्ग। नेक्स्ट है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टिन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्य को किया था, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है माइकल एंजेलो। नेक्स्ट है, डैस्को बहुत से लोग यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं, जो एक स्पेनिश था, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है सल्वाडोर डाली, जो कि अति यथार्थवादी थे। उसके बाद नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी, तो ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित थी एलोरा की गुफाएं। उसके बाद है, रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्त पूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है, तो आई थिंक इसमें क्यूबिज्म होगा, मेरे हिसाब से इसमें क्यूबिज्म, क्योंकि इसी में इसमें भावनात्मक कमी की विशेषता है इस वाले वाद में, क्यूबिज्म में, तो अगर आपको इसमें कुछ गलत लगे तो आप इसे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, एक काले और सफ़ेद रंग की चित्र को कहा जा सकता है, तो इसमें छपाई है पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद है, प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे, तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है, इसको ज़रा आप देख लीजिएगा, इसका नहीं पता है, शायद मे बी इसमें रंग प्रसंग है, इसका आंसर रंग प्रसंग पहला ऑप्शन इसमें जहाँ तक सही है, बाकी आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है सौंदर्य, प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है, तो इसका चौथा ऑप्शन है सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट है जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें और की कृतियों से रखी गई, जिन्होंने 1885-1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है विंसेंट वान गॉग और एडवर्ड मंच। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण, ये वाली इस क्वेश्चन में भी थोड़ा नहीं, सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे, उनके नाम को पहचानिए, तो इसमें आंद्रे बेटन है, चौथा ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट है सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है देवनागरी लिपि में इसमें खुदा हुआ है। इसका नेक्स्ट है मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है एक महिला और हंस। नेक्स्ट है सल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था, तो इसमें स्पेन सही है। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक है, तो इसमें इसमें भी थोड़ा इसमें ये पहला ऑप्शन सही है कार्ल आंड्रे। नेक्स्ट है श्रीलाल शुक्ल के लेखक हैं किसके हैं, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। उसके बाद नेक्स्ट है अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है बसावन। नेक्स्ट है अतियथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 1924 में अतियथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है आंद्रे बेटन। उसके बाद नेक्स्ट है वृहत कला कोष के लेखक कौन हैं, तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन सही है विनोद भारद्वाज। नेक्स्ट है एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अतियथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है सल्वाडोर डॉली। नेक्स्ट है माइकल एंजलो का जन्म 6 मार्च कैप्रेस में हुआ था, तो 1475 में इनका जन्म हुआ था माइकल एंजलो का, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए चुना गया है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही संकल्पात्मक कलाकार। इसके बाद नेक्स्ट है राय कृष्णदास संबंधित थे, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है कला इतिहास। नेक्स्ट है चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है अच्छा रेखांकन। उसके बाद नेक्स्ट है समकालीन यथार्थवादी की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु तो किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है, तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप इसे देख लीजिएगा, अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसमें नेक्स्ट है रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय रस संत विद्वान को दिया जाता है जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है भरत मुनि। उसके बाद नेक्स्ट है सल्वाडोर डॉली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है तैलचित्र। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तम पचारिणी क्या है, तो ये पहला ऑप्शन सही है ये अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी नई दिल्ली के। उसके बाद नेक्स्ट है 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली की कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृति है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है डेविड। उसके बाद नेक्स्ट है दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसे आप देख लीजिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। उसके बाद नेक्स्ट है रॉक गार्डन चंडीगढ़ डिजाइन कौन था, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है नेकचंद सैनी। उसके बाद नेक्स्ट है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है बाह्य रेखा यानी आउटलाइन। नेक्स्ट है तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है नवपाषाण काल। उसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है नाट्यशास्त्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यात चित्र श्रृंखला किसकी रचना है, तो पहला ऑप्शन सही है ए रामचंद्रन की। नेक्स्ट है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है भीम बेट का। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं पात्रों विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है नवशास्त्रीय कला। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे दिए गई सूची में यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करते हैं, इसमें चौथा ऑप्शन से फ्रिदा कहलो। नेक्स्ट है किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मेरे हिसाब से कला वार्ता है, तो आप देख लीजिएगा जो आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डॉली का लेखक कौन है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है सल्वाडोर डॉली।
उसके बाद नेक्स्ट है लोक चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है पूर्वी। उसके बाद नेक्स्ट है पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है संगमरमर। उसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है भरत मुनि। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है मुकुल पवार, जो कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के पढ़े हुए हैं वो वहाँ पे मुकुल पवार। उसके बाद ये मूर्तिकला के आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकला में काम करते हैं। उसके बाद ये पहला ऑप्शन दिलीप ताम्बुली, ये ग्राफिक कलाकार हैं जो कि बिहार के हैं, और उसमें जो पीसी मनसाराम हैं वो कोलाज में काम करते हैं, और ये भारतीय कनाडा हैं, इनका ये वहाँ पर काम करते हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है मुकुल पवार। उसके बाद नेक्स्ट है अति यथार्थवाद के दर्शन में सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे, तो इसमें पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है पोत कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है चौर पंचाशिखा द्वारा लिखा गया है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है बिल्हड़, बिल्हड़ ने इसे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है उस देश को पहचानिए जहाँ से अव्यक्तवाद के एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है जर्मनी। नेक्स्ट है सिस्टीन चैपल छोटा गिरजाघर छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है फ्रेस्को। उसके बाद नेक्स्ट है नौशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया था, तो इसमें शायद तीसरा ऑप्शन सही है ग्रीक शैली को, बाकी आप देख लीजिएगा कंफर्म नहीं है ये। तो नेक्स्ट है प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अनसर्ट का जन्म किस देश में हुआ था, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है जर्मनी। फिर नेक्स्ट है देवी प्रसाद राय चौधरी थे, इसमें पहला ऑप्शन सही है मूर्तिकार। फिर नेक्स्ट है सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में सामान्य शब्द है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है प्रकरण। उसके बाद नेक्स्ट है मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे, तो जहांगीर के दरबार में ये मंसूर और मनोहर कार्य करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अव्यक्तवादियों में से एक की पहचान करें, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है मैक्स बैकमैन। नेक्स्ट है विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द होरटी 1784 को किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है जैक्स लुइस डेविड। उसके बाद नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है जहांगीर। उसके बाद नेक्स्ट है अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था, उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है मैक्स इंसर्ट। उसके बाद है बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद शेखर सेन क्या हैं, तो ये नाटककार हैं शेखर सेन। उसके बाद नेक्स्ट है छापा कलाकार को पहचानिए, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है दीपक बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है वास्तु चित्र शैली से संबंधित है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है राजेंद्र प्रसाद, ये भी लखनऊ आर्ट कॉलेज में टीचर हैं, तो ये वास्तु चित्र शैली इन्हीं से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, तो पहला ऑप्शन है विनय पिता का। वह नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कुंडियो को बताया मैं कितना भी अमीर हो जाऊँ मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूँ, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है माइकल एंजेलो। तो नेक्स्ट है वास्तु स्थान नेता गायक और रस भावनाएं के आवश्यक घटक हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है अभिनय। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है ज्ञान का युग। उसके बाद नेक्स्ट है बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में ये गुफाएं स्थित हैं, पहला ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अव्यक्तवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो इसे देख लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट है किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों पौधों को चित्रित किया गया था, तो इसमें पहला ऑप्शन सही मुगल सल्तनत। उसके बाद नेक्स्ट है विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही यथार्थवाद। फिर नेक्स्ट है उस कलाकार का नाम दे जो अवंत गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला मूर्तिकला मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वस्तुकला का जनक माना जाता था, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है मार्सेल दुसा। फिर नेक्स्ट है सांवरी वास्तु चित्र किस कलाकार का है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है बद्रीनाथ आर्य। उसके बाद नेक्स्ट है एक सांस्कृतिक कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई जिसे ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया, तो इसमें इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे आप देख लीजिएगा।
सर नेक्स्ट है भारत कला भवन के संस्थापक थे, तो इसमें चौथा ऑप्शन है जे स्वामीनाथन। उसके बाद नेक्स्ट है द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को द्वारा चित्रित किया गया है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही एडवर्ड मुंच ने। उसके बाद नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र को लगभग किस सदी में बनाया गया, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है 8वीं से 11वीं शताब्दी। उसके बाद नेक्स्ट है कलाकार को पहचानने जिसने न्यू डिसेंडिंग स्टेयर केस 1912 की चित्रकारी की थी, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है मार्सेल दुसा। और नेक्स्ट है इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की थी, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है पाओलो चेलो। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में विचार करें, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न है तो इसे आप देख लीजिएगा, और सही आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अवतार सिंह पवार थे, तो ये अवतार सिंह पवार मूर्तिकार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है 1900 की शुरुआत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रसिद्ध जर्मन अव्यक्तिवादी कौन है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है हेनरी मातिस कौन थे, तो ये फाववादी कलाकार थे हेनरी मातिस। उसके बाद नेक्स्ट है अव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय का अर्थ व्यक्त करने की मांग की, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही भावनात्मक अनुभव। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे, तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसे भी आप देख लीजिए, इसमें कन्फर्म नहीं है, वैसे मे बी चौथा ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद नेक्स्ट है अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन सही सातवाहन और गुप्त। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया है, तो इसमें सल्वाडोर डॉली हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था, तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है सुखवीर सिंघल जो थे वो अकादमिक शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट है एडवर्ड मंच ने चार संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है द स्क्रीम। फिर नेक्स्ट है पियोरो डेला फ्रांसिस्का का एक इटली का चित्रकार था, इसमें दूसरा ऑप्शन सही प्रारंभिक पुनर्जागरण। उसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की थी, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है डी चिरिको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे, उस कला आंदोलन की पहचान करें, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है कैनेटिक कला। तो नेक्स्ट है द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताइए, तो इसमें तीसरा ऑप्शन से फ्रेंच मार्क। और नेक्स्ट है विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे, तो ये तीसरा ऑप्शन सही ललित कला के संपादक थे। और नेक्स्ट है कंपनी शैली के चित्रों किस प्रकार के विशेष तौर पर चित्रित किए गए हैं, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है जनमानस। और नेक्स्ट है किसने अत्यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है आंड्रे बेटन ने इसको लिखा था। और नेक्स्ट है लियोनार्डो दा विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया, इनका टाइम पीरियड था, पहला ऑप्शन सही है इसमें। और नेक्स्ट है पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस एक है, तो ये फ्रेस्को में बना है, इसका चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था, गुस्ताव कुर्बे का जन्म चौथा ऑप्शन सही है इसमें फ्रांस में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन पत्रिका द स्टार्म में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है ओस्कर कोकोस्का ने इसमें लिखा था ये पत्रिका। फिर नेक्स्ट है स्टेचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई थी, तो ये इसमें दूसरा ऑप्शन सही है राम सुतार जो कि गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है इस काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसमें ये चौथा ऑप्शन सही है एक्शन चित्रकला। फिर नेक्स्ट है सरलता परम कृत्रिमता है या प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया था, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है लियोनार्डो दा विंसी। सो नेक्स्ट है निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है किशनगढ़। नेक्स्ट है किसने मसीह ध्वज का वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है पियोरो डेला फ्रांसिस्का। सो नेक्स्ट है छितेंद्रनाथ मजूम किस स्कूल के कलाकार थे, इसमें चौथा ऑप्शन सही मैसूर के थे ये। उसके बाद नेक्स्ट है किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था, ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है फ्रांस मार्क।
नेक्स्ट है, एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, यथार्थवाद। नेक्स्ट है, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित थे, तो ये ब्लू पॉटरी से संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, एक्शन जैक्सन पोलाक। इसके बाद नेक्स्ट है, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक स्वरूप जो विचार को प्राथमिकता देता है दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वयं विचार के माध्यमिक है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, संकल्पनात्मक कला। तो ये थे इसमें सारे क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, इसमें जो भी कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो आप इसे न, इसमें जो है आप इसमें कमेंट में लिखिएगा जो भी आपको आंसर इसमें सही पता हो, और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि जो भी नई अपडेट होगी इसके बारे में तो मैं आपको बताती रहूँगी। तो बाकी आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, और पेपर काफ़ी टफ था तो मे भी ज़्यादा मेरिट नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।